ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 के तहत पुलिस प्रशासन ने नशे की अवैध तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 15 लाख रुपए की स्मैक भी जब्त की। एसपी रेखा यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत बड़े स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। रेखा यादव ने बताया कि पुलिस ने दो ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर नाजिम और रेहान दोनों ही स्मैक पीने के आदी हैं। ये उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर उसे फुटकर में बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत जनपद स्तर पर भी एक चौपाल का आयोजन हमेशा से किया जा रहा है, जिसमें कल जो नशा मुक्त अभियान पखवाड़ा चल रहा है उसके तहत हरिद्वार पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें दो ड्रग डीलर जिनके पास से लगभग 152 ग्राम स्मैक जिसकी कीमत 15 लाख है वह पकड़े गए हैं। और चूंकि अभियान वृहद स्तर पर हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे ड्रग डीलर्स को बस्ट किया गया है, उनके खिलाफ आपराधिक इतिहास उनका पता किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता कल हरिद्वार पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये दोनों नशे के आदि हैं और जो नशा ये खरीदते हैं स्वयं सेवन भी करते हैं, साथ ही फुटकर में इसको बेच करके धनराशि अर्जित करते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।